हेलो फ्रेंड्स, होप यू डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग आईसाइट। हिमाचल में शिमला मनाली जितना पॉपुलर है उतना क्राउडी भी है, लेकिन ऐसी पीसफुल जगह जहां पे पहाड़ों का मनमोहक नजारा हो, टूरिस्ट प्लेसेस भी हो, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो, तो स्वागत है आपका धर्मशाला एंड डेलहाउसी में। अभी वहाँ पहुँचे हमारे फर्स्ट व्यू पॉइंट नदी विलेज, जिसे आप नदी व्यू पॉइंट भी कह सकते हो। मेरे पीछे ये जो माउंटेन रेंज देख रहे हो ना, ये है धौलाधार माउंटेन रेंज और इसके पीछे चंबा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आप ट्राई करना कि बाय इवनिंग सनसेट के टाइम पे आओ तो आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। हम मॉर्निंग में आए, नज़ारा तो खूबसूरत है लेकिन लाइट अभी इस साइड से ना, तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इतनी अच्छे से नहीं होगी, लेकिन इवनिंग के टाइम पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। तो नदी व्यू पॉइंट से वापस नीचे की ओर आते हुए आपके रास्ते में एक झील आएगी जिसका नाम है दल लेक। वैसे श्रीनगर कश्मीर वाली दल लेक नहीं, ये है धर्मशाला में। इस जगह के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो पांच कैलाश में से जो चंबा वैली में मणि महेश कैलाश है ना, वहाँ पे एक पवित्र लेक है, वहाँ पे अक्सर लोग स्नान करते हैं और जो लोग वहाँ नहीं जा सकते ना वो यहाँ पे स्नान करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो दोनों बराबर हैं। वैसे ये जगह पहले नेचुरल थी, यहाँ पे पानी खुद में खुद आता था, लेकिन बाद में इस लेक को जेसीबी से खुदवा कर थोड़ा गहरा बना दिया गया, बाद में यहाँ का पानी गंदा हो चुका है। आप यहाँ पे आओगे तो देख ही सकते हो, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, काफी पीसफुल लोकेशन है, तो हम भी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। दल लेक के बिल्कुल पास में दुर्गेश्वर महादेव का मंदिर है। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी मतलब दुर्गाष्टमी के दिन यहाँ पे मेला लगता है, लाखों की संख्या में लेक में लोग स्नान करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो मणि महेश कैलाश है ना, वहाँ पे दर्शन करना और वहाँ पे स्नान करने के जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य यहाँ पे स्नान और मंदिर में दर्शन करने से मिलता है। तो चलिए हम साथ में इस मंदिर में दर्शन करते हैं। तो अभी हम वहाँ पहुँचे सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च। 1750 मीटर की हाइट पे 1852 में बना हुआ है चर्च, काफ़ी पीसफुल लोकेशन पे, तो चलिए साथ में हम ये विजिट करते हैं। तो फिलहाल तो ये जो सेंट जॉन चर्च है वो बंद है, तो हम अंदर से विजिट नहीं कर पाए, लेकिन भाई साहब ये जो लोकेशन है ना, क्या खूबसूरत और पीसफुल, मतलब आप यहाँ पे 10-15 मिनट बैठोगे ना आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। धर्मशाला में आए हुए टूरिस्ट में से कोई दलाई लामा टेम्पल विजिट ना करे ऐसा हो नहीं सकता, और इसीलिए हम अभी आ पहुँचे दलाई लामा मॉनेस्ट्री और यहाँ पे नामग्याल मॉनेस्ट्री भी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी के जो दलाई लामा है उनका ये रेसिडेंस है, मतलब यहाँ पे वो रहते, हालांकि उनसे मिलना तो इतना इजी नहीं है, अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़ती है। तो चलिए हमारे साथ, हम साथ में ये मॉनेस्ट्री विजिट करते हैं। हमने दलाई लामा टेम्पल विजिट कर लिया है। वैसे यहाँ मॉनेस्ट्री में रुकना पॉसिबल नहीं है, मैंने इंक्वायरी की, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब जो की मॉनेस्ट्री और दूसरी मॉनेस्ट्री में आप रुक सकते हो ना, ऐसा यहाँ पे नहीं रुक सकते। वैसे अगर आपको दलाई लामा के दर्शन करने हो ना, तो मंडे वेनसडे और फ्राइडे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो www.dalailama.com से, और जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा आप वहाँ पर दर्शन भी कर पाओगे। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते, रोपवे से हमें जाना है नीचे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं रोपवे। देखो धर्मशाला और मैक्लोडगंज में आपको फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इसीलिए यहाँ पे जो मॉल रोड है ना, वहाँ पे
आपको फॉरेन आइटम और टिबेटियन आइटम भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, तो एक आपका नया एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ से हम रोप वे लेंगे और जाएंगे नीचे। तो धर्मशाला से मैकलोडगंज के बीच में रोप वे चलती है, जिसका टाइम ही सुबह के 9:30 से शाम के 7 बजे तक का है। वैसे वन वे का है 450 रुपये और राउंड ट्रिप होती है उसका 675 रुपया है। हमने वैसे तो रोप वे कम्प्लीट कर ली है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे थे, काफ़ी एंजॉय करते हुए आए। यहाँ आगे हमारा ड्राइवर वेट कर रहा है, मोबाइल में चार्जिंग कम हो चुका है, तो हम चार्जिंग करते हैं। तब तक आप रोप वे के नज़ारे देखिए और बाद में हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। रोपवे से बाहर निकलते ही मेन रोड के पास में कांगड़ा आर्ट म्यूजियम, वैसे ही कांगड़ा है डिस्ट्रिक्ट का नाम है, धर्मशाला जो सिटी है ना उसका डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। वैसे यहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसे कांगड़ा एयरपोर्ट, धर्मशाला एयरपोर्ट या फिर गगल एयरपोर्ट कहते हैं। और ये जो म्यूजियम है ना उसमें एंट्री टिकट पर पर्सन 50 रुपीज़ है, तो चलिए साथ में विजिट करते हैं कांगड़ा आर्ट म्यूजियम। लोकल कल्चर, ट्रेडिशनल मेथड और हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो आप कांगड़ा आर्ट म्यूजियम जरूर विजिट करना। वैसे यहाँ का टाइमिंग सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का है और मंडे और हॉलीडे के दिन ये क्लोज रहता है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, लेकिन भूख भी थोड़ी लगी तो थोड़ा लंच या नाश्ता करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है ना वहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये बंद है क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की जो टेस्ट मैच है ना वो कंप्लीट तो हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है तो एंट्री अलाउ नहीं, लेकिन कल सुबह 9 बजे एंट्री हो जाएगी। अगर कल पॉसिबल हुआ तो कल हम आ जाएंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ से बाहर का ये व्यू दिखा देता हूँ। '47, '48, '65 और '61 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 62 में चाइना के साथ युद्ध हुआ। तब हमारे जितने भी वीर जवान शहीद हुए थे उनकी याद में ये युद्ध स्मारक मतलब वॉर मेमोरियल बनाया गया है। तो सच में सैल्यूट है सारे वीर जवानों को। तो चलिए साथ में उनकी याद में ये बना ये वॉर मेमोरियल विजिट करते हैं। वैसे ये जो वॉर मेमोरियल है उसका टाइमिंग सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक का है और पर पर्सन एंट्री टिकट 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, पीसफुल एटमोसफियर है, आपको ज़रूर ये जगह विजिट करनी चाहिए। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अगर आप भी मेरे जैसे चाय लवर हो और ऐसा सोच रहे हो ना कि चाय के बगीचे में चाय की स्मेल आएगी, तो मेरे दोस्त ऐसा हरगिज़ नहीं होता। यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे जो स्टॉल है वहाँ पे आप फ्लेवर चाय ट्राई कर सकते हो लेकिन स्मेल नहीं आएगी। वैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने घने बादल हो चुके हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। वैसे सुबह भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो बारिश हो उससे पहले हमें हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं ना वो कंप्लीट करने हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं कुनार पथरी मंदिर, 51 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर जहां माँ सती का कपाल गिरा था। यहां मंदिर के अंदर एक पत्थर है जिसमें पानी भरा रहता है और लोग पानी बोतल में भरकर अपने घर ले जाते हैं पूजा अर्चना और कुछ रोगों दूर करने के लिए। वैसे ऐसा कहा जाता है कि ये जो पत्थर में पानी है ना जब भी कम होने लगता है बारिश होती है और पानी फिर से भर जाता है। अभी देखिए बारिश जैसा मौसम भी हो चुका है और बारिश भी धीमी धीमी शुरू हो चुकी है। तो जल्दी से हम दर्शन करते हैं मंदिर में और यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं।
अभी शाम के 5:30 बजे और हम वहाँ पहुँचे बागसूनाग मंदिर। वैसे इस जगह की हिस्ट्री मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं बताऊँ तो अजमेर के राजा का नाम था बागसू और वो पानी की तलाश में यहाँ पे आए थे, जिनका नाग देवता के साथ युद्ध हुआ था और यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी और वो दोनों नाम मिलाकर बागसू नाग ऐसा मंदिर का नाम बना है। वहाँ मंदिर के अंदर शिवलिंग के आप दर्शन कर सकते हो, यहाँ से आगे भी एक वाटरफॉल है, तो पहले हम मंदिर में दर्शन करते और बाद में आगे बढ़ते वाटरफॉल की। मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं, यहाँ पे कुछ कुंड है और स्विमिंग पूल जैसा भी बनाया गया है, वहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो और यहाँ से पीछे वाटरफॉल जाने का रास्ता है, तो चलिए हमारे साथ वाटरफॉल के लिए। तो सिर्फ 10 मिनट के ट्रैकिंग से हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल के ऊपर जाना है ना, तो वो भी आप जा सकते हो, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। दूसरी साइड एक टेंपल है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, लेकिन हम यहाँ वाटरफॉल पे टाइम स्पेंड करेंगे और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करेंगे। वाटरफॉल में पानी का बहाव तो वैसे कम है, लेकिन मेरे हिसाब से समर के टाइम पे जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपके वाटरफॉल में ज़्यादा पानी नहीं देखने को मिलेगा। वैसे हमने यहाँ पे आधे घंटे जितना टाइम स्पेंड किया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज के दिन के लास्ट डेस्टिनेशन मॉल रोड, तो चलिए हमारे साथ। तो अभी हम मॉल रोड पहुंच चुके हैं और आपको तो पता है कि शॉपिंग हो कर सकते हो, रेस्टोरेंट होते, खाना पीना या फोटोग्राफी ऐसा कुछ हो जाएगा। वैसे हमें लग रहा था कि बागसू नाग से पास में है, तो हमने हमारे ड्राइवर को वापस भेज दिया, लेकिन 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसमें हमें आधे घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया। तो जल्दी से मॉल रोड एक्सप्लोर करते और बाद में हमें जाना है वापस हमारी होटल, वापस 1.5 किलोमीटर। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे जैसे पैकेज टू ट्रैवल कर रहे हो तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से आ रहे हो, अगर आपको कैब चाहिए जो यहाँ के साइट सीन है उसके लिए, तो 2,500 रुपीज़ जितना चार्ज रहता है। अगर आपको बाइक चाहिए तो बाइक के 1,200 रुपये पर डे होता है, स्कूटी का 600 रुपये जितना होता है। तो बस यहाँ से जाना है वापस होटल, आप डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे और कल हमें निकलना है डेलहाउसी के लिए। गुड मॉर्निंग, होटल में हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और आज हम जाने वाले हैं धर्मशाला से डेलहाउसी, जिसका डिस्टेंस करीबन 120 किलोमीटर है और 4 घंटे जितना समय लग सकता है। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो हम आज फिर से आ गए, कल तो वैसे बंद था स्टेडियम, लेकिन आज हम डेलहाउसी जा रहे थे तो रास्ते में ये हम विजिट कर रहे हैं। वैसे यहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन है और टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। वैसे इस स्टेडियम के बारे में अगर आपको बताऊँ तो इसे धर्मशाला स्टेडियम या फिर HPCA क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं। 27,000 कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम 2003 में बन रहा था और पहली मैच 27 जनवरी 2013 में भारत और इंग्लैंड के बीच में वनडे खेली गई थी। तो चलिए साथ में एक क्रिकेट स्टेडियम विजिट करते हैं।
अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो शायद आप यकीन भी नहीं करोगे, अब तक ये पहला क्रिकेट स्टेडियम है जो मैंने विजिट किया है, मतलब हमारे अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, लेकिन ये पहला क्रिकेट स्टेडियम है। हाँ जी, तो हम डेल हाउसी में हमारी होटल क्लारेट इन बाय DLS पहुंच चुके हैं। मैक्लोडगंज से धर्मशाला बनीखेत होते हुए डेल हाउसी पहुंचने में हमें करीबन 4 घंटे जितना समय लगा। यहाँ पे आते ही बारिश शुरू हो चुकी है, वैसे हमें होटल में वेलकम ड्रिंक ऑफर किया जिसमें हमने चाय मंगाई है, तो चाय पीते पीते बारिश के मौसम के साथ यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा एंजॉय करते हैं। कल हम जब डेल हाउस पहुंचे तब बारिश हो रही थी और चारों ओर कोहरा ही कोहरा था, तो कोई भी प्लेसेस विजिट करना पॉसिबल नहीं हुआ। आज मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठा टाइम लैप्स के लिए, लेकिन तब भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और कोहरा भी था, फिर भी मैंने टाइम लैप्स के लिए GoPro रख दिया। आई होप आपको वो अच्छा लगेगा। 3 घंटे का टाइम लैप्स था, कुछ ही सेकंड का, और उसमें भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए। अभी हम आए हैं यहाँ टेरेस पे ड्रोन फ्लाई करने के लिए, तो बहुत ही अमेजिंग नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ जो माउंटेन है, ये जो प्रॉपर्टी है और ये जो आसपास के गांव है ना उसके, तो आप ड्रोन के नज़ारे एंजॉय कीजिए, तब तक हम ब्रेकफास्ट करते हैं। के ड्रोन व्यूज आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अभी हम जा रहे हैं खजियार मिनी स्विट्जरलैंड, जो यहां से करीबन 31 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसमें हमें करीबन 1 घंटे जितना समय लगेगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं मिनी स्विट्जरलैंड की ओर। तो ग्रीन वैली से आगे लक्कड़ मंडी जैसी एक जगह है, जहां से आगे स्नो थोड़ी ज्यादा है, तो हमारी जो कैब है ना वो आगे नहीं जाएगी, यहाँ से आपको लोकल गाड़ी लेनी पड़ेगी स्नो में चल सके ऐसी, तो उसका चार्ज अलग होता है, आपके पैकेज में भी इंक्लूड नहीं होगा। हमने थोड़ा नेगोशिएट किया, हमें 3500-4000 बोल रहे थे, फाइनल हमने 3000 में किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खजियार के लिए। ओ यार, यहाँ पे इतनी स्नो जमी पड़ी है ना कि दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हमने जो नई गाड़ी की थी ना, तो वो भी फंस गई है और धक्का निकाल के वापस ले जा रहे हैं। अभी आगे जाके देखते हैं कि क्या करना है। वैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, मशीन भी ये है जो बर्फ़ निकाल रही है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम तो हो चुका है खजियार जाने में, लेट्स सी क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं लक्कड़ मंडी और वहाँ से कुछ प्लान करते हैं। लक्कड़ मंडी में जो एंट्री गेट है ना, वहाँ से 2 रास्ते, ये जो रास्ता है वो खजियार जाता है और ये जो रास्ता है वो काला टॉप जाता है। तो रास्ता क्लियर होने में 2-2.5 घंटे जितना समय लगेगा, ऐसा हमें पता चला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना तब तक हम काला टॉप विजिट कर लें, बाद में हम जाएंगे खजियार अगर पॉसिबल हुआ तो। थोड़ा डिफिकल्ट तो लग रहा है, लेकिन लेट्स सी। तो अभी हम बाय वॉक जा रहे हैं खजियार, यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो चलिए हमारे साथ। तो अभी हम चलते चलते करीबन 1.5 किलोमीटर बाद एक इको पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इको पॉइंट तो आपको पता है ना कि आप जो आवाज़ लगाते वही आपको सुनाई देती है वापस, लेकिन भाई साहब अभी यहाँ पे धीमी धीमी स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। हमारे पास ना जैकेट है, ना कैप है, ना कुछ है, थोड़ी दिक्कत होने वाली है, देखते आगे आगे होता है क्या।
काला टॉप अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर जितना दूर है, जिसमें हमें करीबन 15 मिनट जितना समय लग सकता है। लेकिन आपके साथ थोड़ी बातें कर लेते, जो लक्कड़ मंडी है ना, जहाँ से हमने ये ट्रैकिंग स्टार्ट किया था, वहाँ से दहीन कुंड के लिए भी एक ट्रैकिंग होता है। समर में आप बाई व्हीकल जा पाओगे, लेकिन जो रोड वाला रास्ता है वहाँ से 6.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, और अगर आपको एक शॉर्टकट से ट्रैकिंग करते हुए जाना हो ना, तो 3.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। वो तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ कवर करना तो पॉसिबल नहीं है सब विंटर में। समर में आप कर सकते हो व्हीकल की मदद से, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग करते हुए वहाँ जा रहे हो ना, तो 1.5 घंटे जितना समय लग सकता है। और जो दहीन कुंड है ना, वो डेल हाउसी का सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट है। तो वहाँ पे काली माता जी का मंदिर भी है और 360 डिग्री व्यू पॉइंट भी है। तो आप समर में आ रहे हो तो वो मस्ट विजिट है, और अगर आप विंटर में आ रहे हो और ट्रैकिंग करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, काफ़ी एंजॉयबल ट्रैक रहेगा। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते काला टॉप के लिए। देखो ये है ना रास्ता, ये था शॉर्टकट और ये रास्ता है मेन रोड। तो शॉर्टकट से आओगे ना तो 600-700 मीटर जितना आपका रास्ता कम हो जाएगा, और यहाँ से काला टॉप करीब करीब 600 मीटर के डिस्टेंस पे। तो फाइनली 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम काला टॉप पहुँच चुके हैं। वैसे अगर आप समर में आओगे ना तो 40-45 मिनट लगेगी। वैसे मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हो ना गेस्ट हाउस है, जो अंग्रेजों के टाइम में 1925 में बनाए गए थे, और ये हाइट है ना वो करीबन 8000 फीट की है। तो यहाँ पे आगे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है, वो हम देखने जा रहे हैं। और यहाँ पे भाई साहब स्नो देखिए आप। और वैसे अगर आपको ये यहाँ जो गेस्ट हाउस है ना, कॉटेजेस वहाँ पे रहना हो ना, तो भी हो सकता है। उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वॉइस ओवर में दे दूंगा। यहाँ अगर आपको गेस्ट हाउस या फिर होमस्टे में रुकना हो तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट विजिट कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी है। यहाँ कुछ छोटे बड़े रेस्टोरेंट भी है, जहाँ टेरेस पर आप फूड एंजॉय करते हुए पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बहुत ही प्यारे नज़ारे भी देख सकते हो। यहाँ से थोड़ा ही नीचे उतरते ही आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी एंजॉय कर सकते हो। तो काला टॉप पे ना एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है, और इसके बारे में आपको रिंकू भैया बताएंगे। ये ना ये काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। यहाँ पे जो मेन है, सबसे ज्यादा जो आपने ऊपर बताया भी आपने वीडियो में, जो 1925 का रेस्ट हाउस बना हुआ है, ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है ना वो, अभी तो उसको फॉरेस्ट मेंटेन कर रही है ना। बाकी ये 69 स्क्वायर किलोमीटर का रिजर्व एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये हमारा लोकल गाँव है यहाँ पे काला टॉप का ना। अच्छा। इसी के बीच ये एडवेंचर पार्क बना हुआ है सामने है ना। अच्छा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से फास्ट ये राइड होगा आपका, जिप लाइन बोलते हैं इसको ना, 165 मीटर का जिप लाइन है, और उसके बाद नीचे ये 6 ऑब्स्टेकल कोर्स हैं। अच्छा। हाँ, ब्रिजेस आते हैं ना। जैसे इसमें आपको फर्स्ट में यू ब्रिज आएगा, उसके बाद टायर ब्रिज है, बर्मा ब्रिज है, लाइन ब्रिज है, नेट ब्रिज, और लास्ट में ये मोगरी वॉक है। तो 7 एक्टिविटी है ये ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका प्राइस है, जैसे आप ये इंडिविजुअल जिप लाइन लेते हो ना, तो इसका रहता है 500। अच्छा। इसको छोड़ के आप नीचे वाला करते हैं 6 ब्रिज, उसका 800 रहता है। अच्छा। और अगर पूरा फुल पैकेज करना है तो उसका 1000 रहता है। 1000 पर पर्सन। हाँ, पर पर्सन पैकेज में कंप्लीट मिलता है। अच्छा। तो अभी दोपहर के 2 बजे हैं, और हमारा जो खजियार जाने के लिए हमने जो टैक्सी की है ना, उसका जो ड्राइवर है उसका कॉल आ गया कि रास्ता खुल गया है, तो आप आ जाओ नीचे। तो अब हम जल्दी से जा रहे हैं नीचे। वैसे एक काला टॉप सच में काफ़ी खूबसूरत जगह है, आपको अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर रहना वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। यहाँ से हम जाएंगे जल्दी से वापस, और वहां से हमें जाना है खजियार के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम खजियार पहुंच चुके हैं, लेकिन लंच करने के लिए हम खजियार से 1.5 किलोमीटर आगे जगदम्बे टेम्पल है, वहाँ महादेव जी का स्टैचू है, वहाँ आ पहुँचे। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है जहाँ हम कढ़ी चावल, राजमा और मैगी ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ पहले कुछ नाश्ता करते हैं, और बाद में जगदम्बा टेम्पल और महादेव का स्टैचू है ना वो विजिट करते हैं। Thank you.
अब समय हो चुका है वो जगह विजिट करने के लिए जिसके लिए हम सुबह से न जाने कितनी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मिनी स्विट्जरलैंड मतलब खजियार विजिट करने। तो अभी हम वहाँ पहुँचे खजियार मतलब मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल। भाई साहब क्या खूबसूरत जगह है, मतलब पूरी ग्रीनरी और सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड देवदार के ट्रीज। वाओ अमेजिंग अमेजिंग। एक दिक्कत है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं हम यहाँ क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं। खजियार एक बहुत बड़ा खुला मैदान है, मतलब आप मेड़ो भी कह सकते हो, और जिस दिक्कत के बारे में बता रहा था ना वो यहाँ पे कीचड़ हो रखा है इसके बारे में, लेकिन अप्रैल महीने के बाद ये जगह और भी प्यारी लगेगी। यहाँ बोटिंग के भी मजे ले सकते हो और फोटोग्राफी के लिए इससे अच्छा जगह ढूंढनी काफी मुश्किल है। वैसे आप यहाँ पैराग्लाइडिंग भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ है खजियार टेम्पल जो हर एक टूरिस्ट विजिट करता ही है। हिमाचल में आपको काफ़ी सारे नाग देवता के मंदिर में देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो सके ना तो आप अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ आ जाइए, बड़े आराम से फैमिली फ्रेंड्स या ग्रुप के साथ यहाँ पे आप एंजॉय कर पाओगे। बाद में हम वापस लक्कड़ मंडी आए। हाँ जी, जो खजियार के लिए जहाँ से हमने टैक्सी की थी वहाँ हम वापस पहुँच चुके हैं। यहाँ पहले कुछ चाय पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और बाद में आगे बढ़ेंगे कुछ डेल हाउसी के साइट सीन के लिए। अभी वहाँ पहुँचे बिजी स्पार्क, मतलब पंजाबी में बिजी का मतलब होता है मदर। और यहाँ पे जितना भी टैंक है या फिर फाइटर जेट प्लेन है और जो जिप्सी है ना वो ओरिजिनल है, और जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था ना उसमें यूज़ हुआ था। तो अपने जितने भी वीर जवान थे उनकी जो मदर है ना उनको ट्रिब्यूट करता है ये पार्क। वैसे ये रोड पे ही है, यहाँ पे कोई एंट्री टिकट वगैरह नहीं है, आप विजिट कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत जगह है, आपको यहाँ पे आना चाहिए, रुकना भी चाहिए और ये विजिट भी करना चाहिए, आपको प्राउड फील होगा। आगे बढ़ते हुए हमने पंचकुला के पास में सरदार अजीत सिंह का स्मारक स्थल विजिट किया। अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा थे और देश के सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए लोगों को जागरूक करते हुए बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। इस स्मारक के सामने है डेल हाउसी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन पंचकुला। सिर्फ 5-10 मिनट के ट्रैक करते हुए आप पहुंच जाओगे एक अमेजिंग वाटरफॉल, जहां पहुंचने के लिए आपको 5 पुल मतलब 5 ब्रिज क्रॉस करने हैं, इसीलिए इसे पंचकुला वाटरफॉल कहते हैं। देखो यहाँ पे वैसे तो छोटा सा मार्केट भी है, अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है, रेस्टोरेंट में खाना है तो भी हो जाएगा। एडवेंचर एक्टिविटी में जो ब्रिज क्रॉसिंग होता है, जीप लाइन होती है वो हो जाएगी। 300 रुपीज़ लेते हैं जीप लाइन का और 700 रुपीज़ लेते हैं जो लॉन्ग जीप लाइन है। गंजी पहाड़ी का ट्रैकिंग भी होता है, सिंगल फैमिली ग्रुप हो 800 रुपीज़ लगेंगे और 1.5 से 2 घंटे का पूरा ट्रैकिंग रहता है आने और जाने का। हमारे पास तो अब बिल्कुल समय नहीं है क्योंकि कल सुबह तो हम निकल जाने वाले अमृतसर के लिए। तो बस ये कुछ बातें थी, अब हम जाते हैं यहाँ से मॉल रोड। सो लेट्स गो। गांधी चौक पर होटल डेल हाउसी के पास में है मॉल रोड जो आधे किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आप आधे घंटे जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन कुछ फूड आइटम्स आप यहाँ पे जरूर ट्राई करना। तो अभी हम वापस होटल आ पहुँचे और इस ट्रिप में हमने धौलाधार माउंटेन रेंज के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला और मैक्लोडगंज विजिट किया। चांबा वैली में हमने डेल हाउसी एंड खजियार विजिट किया और क्या अमेजिंग ट्रिप रही, मतलब काफ़ी सारे अप डाउन्स थे लेकिन इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। वैसे हमारी ट्रिप थी 4 नाइट की और हम ट्रैवल कर रहे हैं एक पैकेज थ्रू जिस कंपनी का नाम है वेफर ट्रैवल्स। इनकी सर्विस अच्छे इन टर्म्स ऑफ कैब, होटल, फूड इन्फॉर्मेशन, इट वॉज रियली ग्रेट। और मैं आप सबको जरूर सजेस्ट करूंगा, वेफर ट्रैवल्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगी। वैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक प्रीमियम पैकेज थ्रू, लेकिन अगर आपको कस्टमाइज करवाना हो या बजट फ्रेंडली पैकेज चाहिए तो भी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे एक और बात मुझे आपको बतानी है कि नो रेस नो रैली, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वैली। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेव नेचर सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।